लुधियाना दे विच अज तो दो दिनी सूबा पदरी विशेष लोड़ां वाले बच्चों दियां खेडां दी शुरुआत हुई है। उन्हां खेडां विच 1200 तो वध विद्यार्थियों वल्लों हिस्सा लिया गया। सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस वल्लों इन्हां खेडां दी शुरुआत की गई है। उन्हां बच्चों नूं आशीर्वाद दिता। हालांकि तय समय तो वह एक घंटा लेट समागम च पुजे। इस दौरान उन्हें कहा कि इन्हों बच्चों पहली बार सूबा पदरी खेडा हो रही ने। उन्हें कहा कि इन्हों बच्चों का टैलेंट भी इस पद्धर से बाहर आएगा। उन्हें बच्चों की हौसला अफजाई की नाल ही पत्रकारों गलबात करद कहा कि स्कूलों में बिजली का कनैक्शन नहीं कटिया जाएगा, असी बिल अदा करांगे। उन्हें कहा कि मीडिया ने उन्होंने ध्यान एक गल लेके आती सी अते होर इस तो उन्हों का की कहना सी एक बार तुसी भी सुनो। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। थोड़ा थले कर लो, थले कर लो यार, फेस देख जूगा, थले कर लो यार थोड़ा। दो दिन पहला आनंदपुर साहब दे विच राज पदरी प्राइमरी खेडां दा उद्घाटन किया गया सी। उसी दे तहत अज पहली वारी पंजाब दे विच लुधियाने शहर के जिहड़े साडे स्पैशल बच्चे ने परमात्मा वालों जिन्हां ते स्पैशल कृपा ने, स्पैशल बच्चे ने, स्पैशली एबल्ड ने, उन्हां दीआं खेडां दा उद्घाटन ते इत्थे पहुँचे हैं। तो पहले हर बच्चे नूं खेडां दा हक है, तो बड़ी खुशी वाली गल है। नाल ही भगवंत मान साहब की सरकार वालों लगातार पिछले कई महीनों तो सिक्ख्या के महकमे के कई क्रांतियां लैके आई जा रही, चाहे स्कूल ऑफ एमीनेंस होन, कच्चे टीचरों नूं पक्का करना होवे, स्कूलों का नाम बदलना होवे, शहीदां दे नाम दे उत्ते स्कूल रखने होण, जिहड़े आपत्तिजनक नाम ने कई स्कूलों के वह बदले जाण वाले होण। इस तों अलावा हाल ही दे विच साडे वल्लों एक मुहिम मिशन 100% के गिव योर बेस्ट, क्योंकि कोरोना करके पिछले 2 सालों के पेपर बहुत सौखे होने लग गए, बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर पिया। तो दोबारा एक बार स्कूलों के सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आन। मिशन 100% जिस दी शुरुआत की गई सी हफ्ते पहला, तो हर हफ्ते हर बच्चे का रिजल्ट चैक होंदा। तो तुसीं आने वाले दिनों देखोगे कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते फिर एक बार सरकारी स्कूलों के पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, होर इदा के बहुत सारे सुधार होंगे। नाल ही एक मसला जी, बड़ा गंभीर मसला, आप सब साथियों के राही क्योंकि मीडिया अक्सर बहुत कई बार जो साड़ियाँ कमियां ने, मैं हमेशा क्या कोई भी सरकारी स्कूलों च कमियां ने तो जरूर साढ़े सामने लेके आओ। तो कल एक बहुत मेरे सामने जलंधर के शाहकोट के कुछ स्कूलों का मसला आया जिते बिजली है नहीं, तो उस दे उत्ते सख्त नोटिस लेंदे हुए अज असी DO जलंधर नूं इंश्योर करा दिता गया कि वो सारे स्कूलों बिजली अज ही आवे। तो नाल ही मैं बिजली मंत्री जी नूं पत्र भी लिखूंगा कि किसी भी सरकारी स्कूल की बिजली किसी कीमत पर ना कट्टी जाए जी। अगर कोई बकाया है तो असी देने तैयार हैं, मैं अपनी तनखा चो देने तैयार हैं, पर कोई भी सरकारी स्कूल इलैक्ट्रिसिटी तो वांझा नहीं रहना चाहिए। बड़ा गंभीर मसला है, तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना कि इदा का गंभीर मसला लिखने लिए। मेरी अच्छ सवेरे भी गल हुई है, तो इन्हें इंश्योर करा। अज 10 साल की जिहड़ी पार्टी है देश की सब तो नौजवान पार्टी, मैं याद है लुधियाना शहर से इतों ही असी शुरुआत की, जगराओं पुल तो शुरुआत की। कुछ चंद लोग होंदे सी, लोग मजाक बनाते, 10 साल बाद अज माण वाली गल है साडे लई कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, नैशनल पार्टी बन गई है। अज साडी सरकार पंजाब दे विच है जो शानदार काम कर रही है, साडी सरकार दिल्ली दे विच है जिसने पूरी दुनिया दे विच नाम खटिया, सिक्ख्या दे खेत्र दे विच, सेहत दे खेत्र दे विच, दिल्ली दे MCD विच साडे सरकार है, गोवा दे विच साडे विधायक है, ते अज साडे विधायक गुजरात जा रहे हैं। ते मैं गुजरात दे लोगों का बहुत धन्यवाद करना कि उन्होंने हिमाचल दे विच जो मैनू लग रहा जी, जो मैं रिजल्ट देखिया कि 2 कॉर्नर फाइट होने करके, सीधी जिहड़ी फाइट है कांग्रेस की BJP होने करके, तो इस करके लोगों को लग्या कि वो करन, पर मैं जरूर लगता असी हिमाचल दे विच बहुत मेहनत कल तो ही शुरू करांगे। हिमाचल साडा गवांडी सूबा, तो अगली बारी मैं जी तुसी की किया जी, मैं एक भी साइट दस दो दोस्त, मैं एक सैकंड रुक जाओ, एक सैकंड रुक जाओ जी, एक सैकंड रुक जाओ, एक भी साइट
मैं बतौर माइनिंग मंत्री कहना इदां दी कोई खड्ड जो सरेआम अज पंजाब चलती होवे बतौर माइनिंग मंत्री मैं जिम्मेदारी लैंदा। हाँ मैं की कहा 90% तक इलीगल माइनिंग बंद हो चुकी, रात नूं कोई किसी खड्ड चों जाके दो टिप्पर कढ लवे उहदी असीं गरंटी नहीं लैंदे। माइनिंग मंत्री जी गए, अपने साढ़े मंत्री साहब गए सी, उन्होंने अफसरां नूं चार्जशीट कर दिता गया। कोई भी साड़ी माइनिंग हैल्पलाइन चलती है, कभी भी कुछ होंगे 500 तो बाद परचे हुए हैं जी। तुसीं आख्या कि रेता बजरी बहुत महंगा, मैं पंजाब के लोगों तो माफ़ी मांगदा, पर इहदी मजबूरी यह है कि हाई कोर्ट वल्लों रोक लाई गई है। असी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट नूं दोबारा रिक्वेस्ट की कि माइनिंग किसी भी सूबे की डिवेलपमेंट लई बहुत जरूरी है। अज जिहड़े साडे मजदूर ने वो बेले बैठे ने, सड़कां, हस्पताल, स्कूल, बिल्डिंगां, इमारतां, घर लई रेता बजरी बहुत चाहिए। इस करके हाई कोर्ट नूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुसीं इन्हां ते पुनर्विचार करो, ते 12 तरीक नूं पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दे विच सब तो वधिया वकील खड़ा करके ते 12 तरीक नूं दोबारा हाई कोर्ट दे विच साडी रिट लगी है। ते अगर जिद्दां ही 12 तरीक नूं अगर माइनिंग दी ते डीसिल्टिंग दे उत्ते कोई, ये पिछली सरकार वाली बनाई पॉलिसी है, जे डीसिल्टिंग ते रोक खुलदी है तो मैं थानू गरंटी दिंदा कि पिछले महीने लुधियाने 15,000 रुपए का टिप्पर मिलन लग पिया सी, पर हाई कोर्ट दे करके रोक करके सर पंजाब बिल्कुल माइनिंग बंद है। तो मैनू पूर्ण आस है कि 12 तरीक नू हाई कोर्ट वल्लों सानू रिलीफ मिलेगा, तो उही जिहड़ा रिलीफ है लोगों का। मैं देखो जी, तुसीं मेरे मसल मेरे महकमे बारे पुछो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आओ हुण बच्चों नू देखिए आओ जी, अज का यह जिहड़ा समागम हो रहा है यह सिक्ख्या विभाग वालों 2021 खेड नीति तैयार की गई सी, जिस विच चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड वास्ते असी स्टेट गेम्स करवाने जा रहे हैं, और ये पहलियां स्टेट गेम्स ने पंजाब वालों जिहड़ियां हो रही ने, और इन्हां बच्चों उत्साहित करन वास्ते इन्हां मोटीवेट करन वास्ते एक बहुत वधिया उपराला किया गया सिक्ख्या विभाग वालों। तो अज दी जिहड़ी इह ईवेंट है स्टेट की, इहदे विच 1278 के लगभग चिल्ड्रन जिहड़े हैगे आ साडे स्पैशल नीड वाले वो भाग लै रहे हैं, जिहदे विच वो अथलैटिक्स है और 3-4 मेजर गेम्स ने जिन्हां विच वो भाग लैणगे, और इस वास्ते असी पूरे मतलब तनो मनो लगे हुए हैं, साडा पूरी टीम इहदे विच इनवॉल्व है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इहनूं एक बेस्ट शो जिहड़ा हैगा असी दिखा सकीए। तो अगे तो यह कंटिन्यू रहेगा, और तो बहुत सारिया उम्मीदा ने विभाग नूं भी और इन्हां बच्चों उत्साहित होणगे, और इन्हां दे पेरेंट्स भी अज इत्थे शामिल ने, इसलिए असी इस ईवेंट नूं लैके बड़े होपफुल हाँ। सिर्फ स्कूल्स के जिहड़े साडे आइडेंटिफाइड बच्चे ने ना, चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स के जिहड़े बच्चे आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन्होंने यह मौका दिता गया, रिसोर्स रूम्स विच साडे टीचर्स हैगे ने जिहड़े इन्हां नूं मोटीवेट करके इन्हां नूं गेम की तैयारी भी करवाई है उन्होंने, और उही बच्चे फिलहाल इहदे विच हैगे ने। पंजाब के लगभग आई थिंक 47,000 बच्चे साडे कोल सोर्स रूमां दे विच हैगे जे सिक्ख्या लै रहे ने, ते असीं उन्हां नूं उन्हां दे जीवन दे विच वो अपनी लाइफ नूं वधिया जिउ सकन इहदे लई काबिल करा बनाउण वास्ते बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो ये फस्ट टाइम हो रहा, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि हजे असी अपनी जिहड़ी खेड नीति है उहनूं लैके उहदे बेसिस ते तैयारी करवाई, और आने वाले समय च इहनूं फर्दर इंप्रूवमेंट्स जिन्नियां भी हो पॉसीबल हैगियां उहनूं नैचुरली अडैप्ट भी किया जाएगा और उहनूं मॉडिफाई भी होएगा। सो इट ये अपने आप च एक बारी फस्ट टाइम जिहड़ा होण जा रही ईवेंट है उहनूं उहदे रिजल्ट साडे कोल आ जाणगे, असी रिव्यू भी करांगे इहनां नूं, ते आने वाला समा उहदे विच होपफुली बेस्ट ही रहेगा। अगे तो पिछली वारी ना खेड वतन दी पंजाब दे विच तकरीबन 7.5 करोड़ बच्चे नूं इनाम दित्ते गए सी, इस बच्चन ए बच्चन नूं किन्ना की इनाम दित्ता? देखो इहदे विच इनाम डेफिनेटली है, और जिहड़ा मेन इहदा ऑब्जेक्टिव है वो इन्हां बच्चों नूं महसूस कराना कि वह भी एक समाज का एक अनिखण वांग है, जिवें बाकी बच्चों दी गेम्स हुंदियां उन्हां वास्ते भी एक मौका देना है। तो जिहड़े इनाम है एज़ पर जो फाइनैंशियल अप्रूवल्स है उहदे अकॉर्डिंग डेफिनेटली इन्हां नूं मोटीवेट करन वास्ते इनाम हैगे ने, पर किन्ने ने एग्जैक्टली आई कांट से राइट नाउ, बट जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्हों बच्चों नू एक उन्हों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और उन्होंने एक जो उन्होंने सेल्फ वर्थ की भावना पैदा करना है जी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।